आपका भाई चकाचक बन के आया है। यार बाल बोल सब बाल वगैरह गिर गया, सब टकले बन गया, क्या करे, बूढ़ा हो गया मैं तो। हेलो एवरीवन, नमस्ते नमस्कार, आप सभी को स्वागत है पल पप्पू भाई बोलक्स यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ रहना हमेशा की तरह फ्रेंड्स। और आज मैं जा रहा हूँ कुकिंग करने के लिए, तो दोस्तों मैंने लिया ये 1 kg चिकन। और आज है संडे वाला दिन, तो मैं अभी जस्ट बाहर से मैं चिकन वगैरह लेके आया था और 1 kg और गार्लिक वगैरह ये छील के रखा हुआ है। फ्रेंड्स फाइनली मैं लहसुन अदरक और हरी मिर्च टमाटर प्याज कटिंग कर चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ फटाफट गैस चालू करने, और जो नई कटिंग करके रखा है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी कैसा है। और बाकी ये जो कटिंग करके रखा हूँ मैं, ये देख सकते हैं आप, ये बारीक कटी हुई है प्याज और ये लहसुन है, एक साइड में अदरक है और ये ग्रीन चिल्ली है और ये टमाटो है। पूरा शॉपिंग शॉप पूरा शॉप में कटिंग किया, शॉप में कट कट। और जो चिकन में डालना है ना वो साग काट के धो के रखा है ये, ठीक है, थोड़ा मोटे मोटे। और ये वाला ये साग है नेपाल की, ये राई का साग है, बहुत बढ़िया। गाइस फाइनली तेल गर्म हो चुका है, अब मैं डालने वाला हूँ इसमें थोड़ा सा अजवाइन, क्योंकि अजवाइन अच्छा होता है सर्दी के लिए। और लहसुन अदरक ब्राउन नहीं होगा तब तक इसको भूनते रहना है, भूनते रहना, हिलाते रहना, हिलाते ये ब्राउन हो जाएगा पूरा। गाइस आप देख सकते हो ये ब्राउन हो गया पूरा। ब्राउन होने के बाद आप डालते हैं इसको, और इसको ढकते हैं 2 मिनट का ढकते हैं, ये गल जाएगा ना मसाला, तो गल जाएगा, ग्रेवी बनेगा गलने के बाद। हल्दी खत्म हो गया, हल्दी तो गाइस ये भी नेपाल की हल्दी है, मेरे साली ने लेके दिए हुए उन्होंने नेपाल से हल्दी, नेपाल का हल्दी है, ऑर्गेनिक नेचुरल हल्दी है नेपाल की, ठीक है, नेपाल से लेके दिए, साली ने लेके दिए थे मुझे। ये देखो गाइस नेपाल की हल्दी है, नेचुरल ऑर्गेनिक नेपाल की हल्दी, देखो कितना नेचुरल है नेपाल की हल्दी है ये। यहाँ पे तो बहुत महंगा है और प्योर मिलता भी नहीं है यहाँ पे। गाइस ग्रेवी बन गया, ग्रेवी अब इसमें डालने वाला हूँ चिकन। गाइस ये रहा चिकन, गाइस
चिकन रेसिपी। जब ये चिकन बनने लग पड़ेगा तो इस साग को इसमें मिलाना है, तो गॉड फिर तो यमी यमी हो जाएगा, यमी यमी। गाइस फाइनली ये बन चुका है, पूरा तैयार रेडी है। अब इसको मैं जो ये साग है इसको मैं इसमें डालने वाला हूँ और मिलाने वाला हूँ, और इसमें मिला के बस ज़्यादा नहीं 5 मिनट तक पकाने वाला हूँ, 5 मिनट तक। तो यमी यमी कोई दिख तो नहीं रहा बाहर से, वाओ मज़ा आएगा यार, मज़ा आएगा। क्या बात है, मुझे लग रहा है इसमें ना थोड़ा नमक कम हो जाएगा, थोड़ा नमक और डालता हूँ क्योंकि साग डाला है ना मैंने। साग को ज्यादा नहीं पकाना चाहिए। हाँ साग दो तरह की होता है ना, एक रखड़ के मक्खन डाल के पूरा पूरा घी डाल के बनाते हैं ना, एक होता है ऐसे खास करके, ये पता क्या होता है, हम पूरा पकाते हैं ना इसकी जो टेस्ट है वो घुल मिल के सारा वो हो जाता है, और जो हाथ थोड़ा हाथ पकाएंगे ना खाने में टेस्ट लाए, और शरीर में जब हम खाते हैं खाने के बाद शरीर में भी अपने नशे में ये सब में सब फैल जाएगा, मतलब हमें डाइट मिलेगी, डाइट सही बुला रहा। फाइनली गाइस मेरी नहीं, मैंने फाइनली बना चुका हूँ, पूरा रेडी हो चुका है गाइस। तो ओके फ्रेंड्स, आप सभी को बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलता है आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, बाय।